ये जो पत्ता है इससे फैक्ट्री में प्रोसेस होकर चाय का पत्ती बनता है। ये वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉन बंडो ब्लॉग। आज मैं हूँ असम का चाय बागान में। आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड में हरा भरा चाय का बागान है यहाँ पर। तो आप लोगों को मैं चाय बागान के बारे में थोड़ा कुछ बोलूँगा यहाँ पे, और कौन सा पत्ती से चाय बनता है वो भी मैं आप लोगों को डिटेल्स बताऊँगा। और ये मेरा पहला ब्लॉग है हिंदी में, तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट्स कीजिए कैसे हुआ है वीडियो, ताकि मैं आगे जाके आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा वीडियो बना पाऊंगा। और जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, और वो नोटिफिकेशन के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद घंटी का जो बटन है वो दबा दीजिए और ऑल में क्लिक कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों को सारा डिटेल्स और एंजॉय कीजिए और एनकरेज कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। असम, असम चाय के लिए फेमस माना जाता है और जाना जाता है। सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा असम से ही चाय का उत्पादन ज़्यादा होता है। इंडिया में बहुत सारे चाय का बागान बहुत सारे स्टेट में है, लेकिन असम सबसे ज़्यादा ही मतलब चाय प्रोड्यूस करते हैं, और अच्छा क्वालिटी का चाय होता है असम का। हमारे सुबह शुरू होता है एक कप चाय के साथ, तो एक कप चाय, अच्छा चाय पीने के बाद हमारा दिन भी अच्छा जाता है, और बिना चाय के हम लोग भारतीय मतलब हमारा दिन शुरुआत होता ही नहीं है। चाय को एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर और शरीर में रक्त परिसंचरण में सुधार के लिए भी जाना जाता है। असम में बहुत प्रकार का चाय बनता है, जैसे कि ऑर्थोडॉक्स हो गया, सीटीसी हो गया, ओलोंग हो गया, वाइट टी हो गया, तो ये सब बहुत सारा वेराइटीज़ का चाय बनता है यहाँ पर। और असम का टी जो ब्लैक टी जो है वो दूध के साथ चाय बना के पीने से ज़्यादा टेस्ट आता है इसमें। तो हमारे इंडियन या फिर आप लोग, हम लोग सभी कोई चाय पीते हैं और हम लोग को पता है कि कैसे चाय पीना है। जिसको पसंद है दूध के साथ वो दूध के साथ पियेंगे, जिसको मतलब दूध पसंद है या फिर वो लोग मतलब पीते नहीं है तो ब्लैक टी बना के भी पी सकते हैं, और बहुत टेस्टी है। असम का चाय कंपेयर ही नहीं होता दुनिया में किसी के साथ, बहुत अच्छा टी है। तो मेरा ब्लॉग देखते रहिए, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊँगा या फिर दिखाऊँगा कि कैसा मतलब चाय का पत्ती मतलब तोड़ के फैक्ट्री में कैसे लेके जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे कैसा प्रोसेस होता है, कैसा चाय पत्ती बनता है, क्वालिटी कैसा बनता है वहाँ पे, अलग अलग चाय कैसे बनाते हैं, एक ही पत्ता से अलग अलग चाय का पत्ती कैसे बनता है, जैसे कि ओलोंग हो गया, ब्लैक सीटीसी हो गया, आपका ऑर्थोडॉक्स हो गया। तो मेरा ब्लॉग चैनल में बने रहिए, और नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। मैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ फैक्ट्री में, तो चलिए देखते रहिए, और जाते जाते मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट्स कीजिए, और मेरा ये वीडियो कैसे हुआ है आप लोग बोलिए, और ये मेरा पहला ब्लॉग है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आगे जाके आप लोगों के लिए और भी अच्छा अच्छा वीडियो बना पाऊँगा, इन्फॉर्मेशन सब आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगा। आज मैं जिस टी गार्डन में हूँ, वो टी गार्डन का नाम है डुमनी टी स्टेट, असम बक्सा डिस्ट्रिक्ट। तो बहुत खूबसूरत जगह है ये, और ये इंडो भूटान बॉर्डर पड़ता है, भूटान बॉर्डर, और इस टी गार्डन से 5-6 किलोमीटर के बाद ही भूटान शुरू होता है। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत जगह है, आप लोग आइएगा भी और यहाँ पे घूमिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।